हर कोई जन्म से किसी ना किसी चीज में चैंपियन होता है, बस उसे पता लगने की देर है तो वो चैंपियन किस चीज में है। आज हम ऐसे ही एक चैंपियन ट्रिप पे चलेंगे, एक शानदार प्रॉपर्टी के टूर पे चलेंगे। बैक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये 200 फीट रोड है महल रोड, जिसके सराउंडिंग एरिया में हम खड़े हैं। और ये है 160 फीट रोड, 200x160 फीट रोड की है प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल का शानदार है संगम। चलेंगे शानदार विजिट पे, डिटेल से जानेंगे। गजेंद्र नाम है मेरा और जिस प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे, इंडेक्स है ये प्रॉपर्टी। लोकेशन की बात करेंगे तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, महल रोड पे सिचुएटेड है ये, महल रोड और हरली घाटी मार्ग के कॉर्नर पे है, 200x160 फीट रोड के कॉर्नर पे। लग्जरी की बात करें, इस एरिया के खास चीजों की बात करें तो बहुत है, विस्तार से बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप इसका इंट्रो एंजॉय कर लें और चलते हैं एक शानदार सफर पे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चैंपियंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी। ये एंट्रेंस है इस प्रॉपर्टी का और आज जिसका अपन टूर कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, 3BHK फ्लैट है। साइज होगा एलमोस्ट 1852 स्क्वायर फीट का। दो टाइप के कॉन्सेप्ट है, दो टाइप की यूनिट है, दो टाइप की इन्वेंट्रीज है, 1625 और 1850। 3BHK है ये, सैंपल के हिसाब से फुली फर्निश कैटेगरी में किया गया है इसको डिजाइन। ये आपका है पर्सनल लिविंग स्पेस, ये आपकी पर्सनल ड्राइंग हो गई। लॉट ऑफ टाइम आप कोई पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गेस्ट है आपके, अनवांटेड गेस्ट है, प्रोफेशनल मीटिंग है, तो उसके लिए सफिशियंट स्पेस है। सामने प्लान किया गया इसके लिए टीवी, घर पे अकेले वेब सीरीज देख रहे हैं या आपको IPL मैच देखना है और बाकी घर वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। इस प्रॉपर्टी को प्लान करने के पीछे जो सबसे खास है वो है इसको डिजाइन करने का क्राइटेरिया। बेडरूम्स और किचन वाला कॉम्बिनेशन आता है इसके एक स्पेस में, ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस वो आता है आपके एक स्पेस में। ये आपका पर्सनल हो गया ड्राइंग स्पेस, और जैसे ही आप ड्राइंग स्पेस के बाद में इंटर करते हो, ये आता है आपका लिविंग स्पेस। ये पर्सनल लिविंग स्पेस है आपका, कॉमन वॉशरूम इसके जस्ट बगल में है, क्योंकि अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है या किसी चीज के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू अलाउ हिम टू गो इन योर बेडरूम, बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस शानदार और खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया इस प्रॉपर्टी को, वो अपने आप में एक लग्जरी की डेफिनेशन बनता है। सामने वाले एरिया को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ग्लास के साथ इसको प्लान करना और शानदार बॉडी कवर्ड करना, प्लान बहुत ही खूबसूरत और एंटिक डिजाइन के साथ इसको तैयार किया गया है। और पर्सनल लिविंग स्पेस में जो पार्टीशन किया गया है वो वुडन के साथ इस तरह से किया गया है कि आपका ड्रॉइंग स्पेस और लिविंग स्पेस पार्टीशन में भी अलग अलग होता है और आपको क्लास इंटीरियर का एहसास कराता है। ये आता है आपका पर्सनल टीवी वाला स्पेस, इसके साथ डिजाइन की गई है ये वुडन कवर्ड के साथ डिजाइन किया गया। ये आपका है पर्सनल लिविंग स्पेस, यू कैन एंजॉय इट, यू कैन फील इट, यू कैन एज्यूम इट, शानदार है ये चीज। और इसके जस्ट बाद में आता है आपका डाइनिंग स्पेस। जितनी खूबसूरती के साथ ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस प्लान किया है, उतनी खूबसूरती के साथ प्लान की है इसकी डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ इसकी फॉल सीलिंग, एक एक चीज को बड़े क्लास तरह से डिजाइन करके बनाया है तो घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ड्राइंग के फर्स्ट स्पेस की बगल में आता है आपका पहला बेडरूम इस प्रॉपर्टी का। 3BHK फ्लैट का पहला बेडरूम है ये, बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है इसको डिजाइन। आपको जो प्रॉपर्टी डिलीवर्ड होनी है वो सेमी फर्निश कैटेगरी में होती है, जिसमें बाथरूम और सैनिटरी की फिटिंग्स वगैरह आती हैं। और इसको डिजाइन करने के पीछे रीजन जो है वो आपको व्यू बताना है
कि हाउ इट इज लुक लाइक, अगर आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से डिजाइन करते हैं तो दिखने में कितनी सुंदर लगती है। ये आती है इसकी बालकनी, वेंटिलेशन के लिए स्पेस आता है, एरिया आता है, तो इस बेडरूम से आप इसे यूज कर सकते हो, रेस्ट ऑफ टाइम आप यूज कर सकते हो कर्टन। स्लाइडर वाली डोर के साथ किया गया इसको प्लान, बेडरूम का साइज आपका हैम्पर नहीं करता। ये है इस प्रॉपर्टी का सेकेंड बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट तरह से डिजाइन किया हुआ बेडरूम, जितना क्लास और डल कलर डार्क कलर के साथ इसको डिजाइन किया गया है, इसके पीछे रीजन है। बैक स्पेस में आती है आपकी ब्रॉड टेरेस, आप इसको टेरेस कह लो, आप इसको पर्सनल छत कह लो, तो वेंटिलेशन या रोशनी या धूप की बात करें तो वो जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, उसके हिसाब से डार्क कलर होना इस बेडरूम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्रंट वाले एरिया में आता है, इसके जस्ट बगल में आता है इसका कॉमन वॉशरूम, और ये आती है इसकी पर्सनल टेरेस। ये है इसका बैक स्पेस, ब्रॉड पर्सनल टेरेस है, और ये दो बेडरूम से आता है इसका एक्सेस, ये ब्रॉड स्पेस है। ये सराउंडिंग एरिया जो आप देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप कॉलोनी आती है, एनआरआई कॉलोनी जिसको कहते हैं, जगतपुरा की जयपुर की सबसे लग्जरी कॉलोनियों में से एक आती है एनआरआई कॉलोनी, तो इसके जस्ट बगल में एनआरआई कॉलोनी आती है, इसके जस्ट बगल में एरिया आता है कोचिंग हब का, और इसके जस्ट बगल में एरिया आता है चौपाटी का। चौपाटी इज द फेमस वन फॉर लग्जरी फूड और बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए लोग चौपाटी की उपमा देते हैं। ये आती है इसकी ब्रॉड किचन, किचन को डिजाइन इस तरह से किया गया है, वेस्ट फेसिंग आती है ये वाली साइड जो आती है, इसकी पर्सनल टेरेस जिस एरिया में आती है ये वेस्ट फेसिंग आती है, और वेस्ट फेसिंग के साथ में ब्रॉड वाली है किचन आपकी। एनी टाइम वेंटिलेशन का ऑप्शन रहता है, शाम को आप खाना बना रहे हैं, किचन में आप बाकी काम कर रहे हैं, टेरेस एरिया में बैठे हैं, धूप गर्मी सर्दी बरसात नेचुरल फील लेना है चीजों का आपको, तो वो मिलता है आपको टेरेस पर, और बगल में आती है किचन, गरम गरम बनाओ और गरम गरम सर्व करो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है किचन का टेरेस के साथ में, शानदार और एंटिक तरह से डिजाइन है ये किचन, व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ किया गया प्लान इसको, सॉफ्ट क्लोजर है किचन में, एंटिक तरह से डिजाइन किया हुआ, टॉप तरह से डिजाइन की हुई आती है चिमनी और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें आती है फुली फर्निश कैटेगरी की, और शानदार तरह से डिजाइन है इसकी टेरेस, मन मोह लेती है चीजें जिस खूबसूरती के साथ किया गया इनको डिजाइन। किचन के बगल में पर्सनल टेरेस होना, पर्सनल सिटिंग स्पेस होना बहुत ही शानदार है। यह है इस प्रॉपर्टी का तीसरा बेडरूम, खूबसूरती का रखा गया ध्यान, स्लाइडर वाली डोर की गई है यूज, ग्लास यूज किया है तो वो है मोदी गार्ड का, बैक स्पेस यूज किया है इसमें लाइट कलर का, और इसके जस्ट बगल में आता है आपकी बाथरूम की फिटिंग्स। ये है आपका ब्रॉड स्पेस, जगुआर की आती है इसमें पूरी फिटिंग, डल कलर लाइट डार्क कलर किया गया है इस वॉशरूम में प्लान, टीवी के कैबिनेट का ऑप्शन हर बेडरूम में है। आज के टाइम पे जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से टाइम बदला है, हर किसी को अपने रूम में टीवी चाहिए, उसे फिल्में देखनी है, उसे वेब सीरीज देखनी है, और ये एक्सेस आता है इसका टेरेस वाले एरिया के लिए, ये ऑप्शन जाता है टोंक रोड के लिए, 160 फीट रोड है सामने वाली, और यहां से जो ऑप्शन जाता है वो जाता है 160 फीट रोड के लिए, 160 फीट रोड जाती है आपकी टोंक रोड पे, कोचिंग आपके बगल से निकलने वाला वो एरिया है। इन सारे सफर पे चलने के बाद, इतनी खूबसूरती देखने के बाद, बात आती है इसकी आस्किंग की, 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट आती है इसकी आस्किंग, अदर चार्जेस हैं कुछ इस पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग IFMS चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, वो चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा है, 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट आती है। अगर मोटे तौर पे इस कैटेगरी के साइज के फ्लैट की बात करूं तो सेमी फर्निश कैटेगरी में आता है, या फिर कहो ब्लैंक फ्लैट आता है खाली, जिसकी आस्किंग आती है ऑल इंक्लूसिव विद GST एंड ऑल 1.31 CR। अद्वितीय है इस फ्लैट का एक्सपीरियंस। अगर आप कोई शानदार प्रॉपर्टी जयपुर में देख रहे हैं, अगर आपको डिसेंट प्रॉपर्टी चाहिए और आपको शानदार व्यू के साथ एक क्लास लिविंग की रिक्वायरमेंट है, तो एक बार आपको ये प्रॉपर्टी जरूर विजिट करनी चाहिए, और जिस विजन के साथ इसमें इंटीरियर किया है उसको फील जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गजेंद्र नाम है मेरा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। नए अपडेट, नई वीडियो, नई लोकेशन
और नई डेस्टिनेशन पर चलने से पहले आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।